और अब ये मैं आ गई हूँ अपना डिनर बनाने। डिनर में आज मैं बनाऊंगी बैगन आलू और टमाटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके साथ बेसन की रोटी बनाऊंगी और ये मैंने इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है, 4 चम्मच। और अब हम थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे, इसमें डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, हींग 2 पिंच, और एक तरफ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये मैंने एक प्याज काट के डाल दिया है इसमें। इस दूध का मैं दही जमाऊंगी, 1/2 किलो दूध है, और तकरीबन मैं रोज ही दही जमाती हूँ, ठीक रहता है। हल्का सा मैंने इस प्याज में सॉल्ट डाला है जिससे कि थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी। और ये मैंने डाल दी है 4-5 गार्लिक के क्लोव और 2 हरी मिर्च, और इनको अच्छे से भून लिया है। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए भून लेंगे, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर, ये 2 टमाटर हैं कटे हुए, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मसाले। मैं यहाँ इधर मैंने दूध चेक कर लिया है, वो बस इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें अपनी फिंगर ऐड कर सको, डाल सको, कि मीन्स वो ज़्यादा गर्म नहीं, 100 टेम्परेचर का दूध होना चाहिए दही जमाने के लिए। उसको मैंने उतार के रख दिया है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच मिर्च डाली, 1/2 चम्मच हल्दी, और 1-2 चम्मच नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और सूखा धनिया 1 चम्मच डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। इस समय मसाले डालने से पता है क्या होता है कि मसाले जो हैं पैक में होते हैं, और जब हम इसे इस तरीके से घी में डाल के 1/2 सेकंड के लिए भून लेते हैं ना, तो मसालों की फ्रेगनेस बहुत अच्छी आती है और उससे वो बहुत अच्छे लगते हैं, भून जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और बैंगन, जो कि मैंने पहले ही धो के काट लिए थे सारे पीसेस में। बैगन को काटते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसमें कीड़ा वगैरह होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से, बरसात का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो बस वही है। वैसे तो ये बैगन बहुत अच्छे निकले थे, बहुत ही अच्छे निकले थे, कुछ भी इसमें ज़्यादा बीज नहीं थे ना ज़्यादा कुछ था, अच्छे थे बैगन, बहुत सॉफ्ट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी डालकर इसको विसल लगाने के लिए रख दूँगी। 1 विसल लगाएंगे सिम गैस पर और उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि आलू और बैगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इधर मैं अपना दही जमाने के लिए आ गई हूँ। दही मैंने उतार लिया गैस से, और ये 2-3 चम्मच जामुन है जो कि दही का है, उसको अच्छे से फेंट लेंगे पहले, और ये इसमें दूध में ऐड कर देंगे। अच्छा रहता है अगर हम रोज़ दही जमा लें तो थोड़ा सा ठीक रहता है, किफ़ायती भी रहता है, और अपना जो है रोज़ थोड़ा सा दही खाने से अच्छा भी रहता है, पेट के लिए भी, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और अब मैंने इसको अच्छे से कवर करके माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है। एक्चुअली माइक्रोवेव मैं थोड़ी कोई किसी भी गर्म जगह पे आप रख सकते हो, मैं माइक्रोवेव में रख दिया है, और अब ये 4-5-6 घंटे में जल्दी जम जाएगा। मौसम के ऊपर डिपेंड होता है कि दही कितनी देर में जमेगा, थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ जाता है। गर्मियों में तो 3-4 घंटे में ही दही जम जाता है। अब यहाँ पर मैं बेसन का आटा लगाने लगी हूँ। देखिए बेसन की रोटी का आटा का ये सिंपल सा फंडा होता है कि आप जितना आटा ले रहे हैं ना उसका 1/3 बेसन ले लीजिए बस, और उसमें थोड़ी सी हींग डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए, 1/3 मतलब तिहाई भाग बेसन डालिए और बाकी आटा डाल लीजिए नॉर्मल गेहूँ का, और थोड़ा सा नमक और हींग डाल के एक अच्छा सा डो इसका लगा लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मलिएगा, क्योंकि बेसन जल्दी गीला हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डाल सकते। और मैंने आटा मल लिया है। अब मैंने जो हाथों हाथ जो भी बर्तन होते हैं मैं मांझ के रखती रहती हूँ, क्योंकि फिर उससे ही होता है ना कि ज़्यादा ही खट्टे नहीं होते, जब खुद ही मांझ रहे हैं तो फिर यह थोड़े थोड़े मंजते रहें खाना बनाने के बाद अपना मांझे पे रखती है, तो वही मैं कर रही हूँ। मैं थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ करके रखती हैं, और अपना इस तरीके से काम धीरे धीरे निपटता रहता है और अच्छा भी रहता है। आज मैं डालने वाली हूँ मिर्च का अचार, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने सब्जियां धोनी थी सारी, तो उसमें मैंने मिर्च का कुछ ज़्यादा ही मंगा लिए थे ऑनलाइन, क्योंकि मुझे मिर्च का अचार डालना था। मिर्च का अचार मेरी फैमिली में बहुत पसंद करते हैं सब लोग, बड़े क्या बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने आज मिर्च का अचार डालना। अब मैंने उन मिर्चों को ना सुखा के रखा हुआ था, मीन्स इनको ऐसे ही पोंछ के कपड़े से सिर्फ रखा हुआ था, और वो सूख गई हैं अच्छे तरीके से। अब मैं जो है उनको काट लूँगी, स्प्लिट कर लूँगी बीच में से 2 भाग करके, और फिर उसका अचार डाल दूँगी। यही है कि बस हाथों हाथ अपना
निबटता रहे तो सब बढ़िया रहता है। देखिए मैं सुबह आ गई हूँ, हाथ धो के अपने पोछ लिए थे मैंने हाथ बहुत अच्छे से पहले, क्योंकि अचार कोई सा भी हो उसमें अगर पानी हाथ नहीं लगेगा ना तो वो ख़राब नहीं होता कभी। तो मैं इसमें आधी से ज़्यादा मिर्च, मैंने थोड़ी सी आधी मिर्च का तकरीबन मैंने निकाल के रख दी है, वो मैं वैसे डेली यूज़ में यूज़ करूँगी, और बाकी ये जितनी भी मिर्च है ना मैं इसको बीच में से काट लेती हूँ। ये काटने से ये होता है कि थोड़ा सा ना डंडी निकाल देंगे इसके और काट लेंगे कि मसाला अच्छे से बीच में लग जाता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है मतलब। और ये मेरे पास ना आम के अचार का मसाला रखा हुआ था, आम का अचार ख़त्म हो गया, उसका मसाला बच गया था, मैंने उसी मसाले में इस सारी मिर्चों को मिला के रख दिया। कभी आपने आप बताइएगा कि क्या कभी आपने इस तरीके से अचार डाला है। ये भी मसाला बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये आम का मसाला होता है तो ऑलरेडी इतना बढ़िया होता है, खट्टा बहुत अच्छा होता है, चटपटा, और इसमें जब मिर्च डालते हैं तो बस उसे मिला के रख लो। और ये मिर्च ज़्यादा दिन तो चलती नहीं, जैसा था एक हफ्ता चल जाए, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। बस इधर मैं अपनी सब्जी देखने आ गई हूँ, मैंने कुकर खोल लिया है और आलू गल गए हैं, बस इसे एक मिनट तक ऐसे ही थोड़ा सा सिम गैस पे पकाएंगे ताकि थोड़ी सी ना इसका जो ऑयल है देसी घी है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, हल्की सी शाइन आ जाएगी। यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ, मैं सब मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी है, हल्का सा घी लगा के डो के ऊपर, लोई के ऊपर, और हम बेल के रोटी तवे पे डाल देंगे। जस्ट इसमें हम घी ही लगाएंगे, हम इसमें सूखा आटा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रोटी है हाथ की है और हाथ पे भी बनाई जा सकती है। इसे मैं कभी कभी बेलन चकले पे बनाती हूँ या एक दो बेलन इस पे मार लिया उसके बाद हाथ से भी उसको बेल के बड़ा कर लिया, बस इसी तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो इसी तरीके से हम उसे दूसरी गैस पे, छोटी गैस पे हल्का हल्का चारों तरफ से एक एक कोना गोल गोल घुमा के रोटी का अच्छे से उसको सेकेंगे। बहुत बार ये फूलती भी है, बहुत अच्छी फूलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय इस वीडियो में नहीं फूली है, वैसे तो फूल ही रही थी सारी बात की, कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा होता है। अब इसको हम अच्छे से सेक लेंगे और उसके पले से ही लगा कर आप जो है इसे सर्व कर सकते हैं सब्जी के साथ, अचार के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और पता है इस रोटी के साथ अगर जैसे सब्जी नहीं भी है ना, आप इसके साथ चटनी बना सकते हो, जीरे की, हींग की वगैरह, जीरे और लहसुन वगैरह की चटनी ना, और उसके साथ देसी घी रख लो और वो चटनी रख लो और उसके साथ आप इस रोटी को एंजॉय करें, इतनी बढ़िया लगती है, और गुड़ रख लीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही है, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है डिनर की सब्जी, और अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अगली सुबह का 13 जुलाई का। आज मैं बनाने वाली हूँ एग का पराठा, सबकी डिमांड है एग का पराठा बना दो। तो मैंने यहाँ एक एग लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप करके डाल दी है, नमक और मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, एक हरी मिर्च डाल दी, उसको बीट कर लिया है। आटा मैंने पहले से मली लिया था, नॉर्मल गेहूँ का आटा है, और उसकी एक लोई देंगे अब हम। इस एग को अच्छे से बीट कर लेंगे पहले, और अब हम एक लोई देंगे आटे की और उसको बेलेंगे, और इस जो ये हम बेल रहे हैं ना इसके अंदर हमें देसी घी लगाना है और अच्छे से लगाना है, और एक चम्मच घी हमें बहुत अच्छे से फैलाकर लगाना है, फोल्ड कर लेना है इसको चार फोल्ड में, ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इस थोड़ा सा एंगल ख़राब हो गया है कैमरे का तो ठीक से वो दिख नहीं पा रहा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी इस बात का, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको चकोर पराठा बना दिया है और इसमें चार लेयर बन गई है, मतलब हम आटे को ना पराठे को बेल कर फोल्ड कर देंगे प्लस के शेप में, और अब हम इसे सिम गैस पे चारों तरफ घुमा घुमा के उठा उठा के दबा के इसको अच्छे से सेकेंगे। इससे क्या होगा कि इससे इसके लेयर्स ना खुल जाएंगी, सारी लेयर्स फूलेंगी, जहाँ हमने घी लगाया ना वो लेयर्स सारी फूल जाएंगी, और वहीं पे फिर वो ऐसे ही हमें कुछ चाहिए। देखिए अब मैंने इसको ना हटाया, देखिए एक एक लेयर इसमें फूल गई है। अब यहाँ पे हम अपना एग इसके अंदर डाल देंगे और उसको बिल्कुल, मैंने गैस बंद कर दी थी यहाँ पर सेकने के बाद, और एग इसके अंदर फिल करके गैस दोबारा से जलाइए सेम गैस पे, और इसको ऑयल लगाकर इसके ऊपर, देसी घी भी लगा सकते हो, देसी घी लगाकर हल्का हल्का इसको चारों तरफ से सेकना है, गोल्डन ब्राउन कलर करके सेकना है और बिल्कुल प्रेस कर करके सेकना है ताकि जो एग है अंदर का वो भी कुक हो जाए, प्रॉपर अच्छे से कुक होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में और अनहेल्दी भी होगा। तो
अब देखिए मैंने ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते बहुत अच्छे से इसको कुक कर लिया है, सेक लिया है, और मैंने इसे थोड़ा सा पीसेस में कट कर दिया है। और अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए अंदर से एग बिल्कुल कुक हो गया है इसमें, और ये मैंने प्लेट में लगा दिया, सॉस लगा दिया, और ऊपर से ना पराठे की थोड़ा सा देसी घी डाल दिया तो उसकी शाइन भी बहुत अच्छी आती है उस पराठे में, और बहुत ही यमी लगता है खाने। बिल्कुल जरा सा मीन्स 1/4 टीस्पून एक पराठे पे, और इसे एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।